ओडनथुरई। कोयंबटूर से 40 किलोमीटर दूर ओडनथुरई पंचायत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी अनोखी है। यहाँ के 11 गांव में हर एक घर पक्का है, छत पर सोलर पैनल लगे हैं, कंक्रीट से बनी सड़कें हैं, हर 100 मीटर पर पीने के पानी की व्यवस्था है और हर घर में शौचालय भी है। ओडनथुरई ग्राम पंचायत न सिर्फ अपनी जरूरत की बिजली खुद बनाती है बल्कि उसे तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड TNEB को बेचती भी है। इससे सालाना 19 लाख रुपए की कमाई होती है। ऐसा करने वाली ये देश की एकमात्र पंचायत है। सभी घरों में बिजली मुफ्त है। इन्हीं खूबियों के कारण विश्व बैंक के विशेषज्ञ, देश भर के सरकारी अफसर और 43 देशों के छात्र गांव देखने आ चुके हैं। बदलाव की यह कहानी 23 साल पहले शुरू हुई थी। तब छोटी छोटी झोपड़ियों वाले गाँव गरीबी और असुविधाओं में फंसे थे। 1996 में ग्राम प्रमुख रहे आर षणमुगम इस बदलाव के प्रणेता बने। वे बताते हैं, उस वक्त हर महीने पंचायत का बिजली बिल 2000 रुपए आता था। अगले एक साल में पंचायत में कुएं बनवाए, स्ट्रीट लाइट लगवाई तो ये बिल 50,000 रुपए पहुंच गया, जिसने चिंता बढ़ा दी। इस बीच पता चला कि बायोगैस प्लांट से बिजली बन सकती है, तब बड़ौदा जाकर इसकी ट्रेनिंग ली। 2003 में पहला गैस प्लांट लगवाया, नतीजतन बिजली बिल आधा रह गया। फिर दो गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स लगवाई। 2006 में षणमुगम को पवन चक्की लगाने का विचार आया, लेकिन पंचायत के पास सिर्फ 40 लाख रुपए का रिजर्व फंड था, जबकि पवन चक्की टर्बाइन 1.55 करोड़ रुपए की थी। षणमुगम ने पंचायत के नाम पर बैंक से लोन लेकर ओडनथुरई से 110 किलोमीटर दूर 350 किलोवाट की पवन चक्की लगवाई। इसकी मदद से पूरा गांव बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, लेकिन पंचायत के शेष 10 गांवों के लोग अब भी राज्य बिजली बोर्ड पर निर्भर थे। तब षणमुगम ने एकीकृत सौर और पवन ऊर्जा प्रणाली अपनाई। हर घर की छत पर सोलर पैनल लगवाए गए। घरों में दिन में बिजली सोलर पैनल से मिलती है और रात में पवन चक्की से। बैंक से लिया लोन पंचायत ने 7 साल में चुका दिया। अब सालाना 7 लाख यूनिट बिजली बन रही है। जरूरत 4.5 लाख यूनिट में पूरी हो जाती है। बची 2.5 लाख यूनिट TNEB को 3 रुपए प्रति यूनिट पर बेच दी जाती है। बिजली में आत्मनिर्भर होने पर गांव की तरक्की के और भी रास्ते खुल गए हैं। आज पंचायत बिजली बिक्री से लगभग 19 लाख रुपए सालाना कमाती है। ये राशि 11 गांवों के विकास में खर्च होती है। राज्य सरकार की सोलर पावर्ड ग्रीन हाउस स्कीम के तहत 950 घर बनवाए गए हैं। 2.5 लाख रुपए की लागत से ये घर 300 वर्ग फीट क्षेत्र में बने हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। चाहे तो सारी पंचायत ऐसा काम कर सकती है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।